दोस्तों सबसे पहले तो कल भी लॉस रिकवरी करना चाहते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे एचएल दिया गया था। इसके अलावा निफ्टी निफ्टी बैंक में भी देखिएगा आपको टाइम प्रेडिक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप ये प्राइस एक्शन मिस नहीं करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिए। कल एक्सपायरी है, कल बढ़िया पैसा बनेगा, आपके लॉस रिकवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए। कल बड़ा इवेंट है और एक्सपायरी है, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा कॉशियस अलर्ट रहिएगा। वैसे भी आपको पता है 11 बजे एक्सपायरी के बाद जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम बिल्कुल जीरो और हीरो की तरफ के लिए जाता है कि लाइक एक जो चीज़ होगी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन होती चली जाएगी, कॉल या पुट, और या फिर देखिएगा एक चीज़ क्या होती जाएगी, हीरो बनती चली जाएगी। लेकिन उससे जस्ट पहले 10 बजे अगर आपको एक और इवेंट मिल जाए एक्सपायरी वाले दिन, बृहस्पतिवार के दिन, तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है आपको, क्योंकि ऐसे में आप बड़ा लॉस ले सकते हो। और आपको पता है कि अगर आपसे कल कोई गलती हुई तो मार्केट केवल एक तरफा जाने वाला है। कल मार्केट ट्रेंडिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कल मार्केट ट्रेंडिंग होगा, वजह बताऊंगा और बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो पहले आप देख लीजिए कल मार्केट ट्रेंडिंग क्यों होगा, क्योंकि RBI की पॉलिसी चल रही है। MPC मीटिंग जो है बाय मंथली यानी कि हर 2 महीने बाद जो होती है वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आपको पता है कल है 8 जून, और कल 8 जून को क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सिग्नल आता है वो सिग्नल क्या है, अनाउंसमेंट होता है। क्या होता है, 8 जून को 10 AM पे कल आपको देखने को मिलेंगे गवर्नर ऑफ RBI, जो बताएंगे आपको कि वो आगे 3 चीज़ों पे क्या प्लान कर रहे हैं। पहला, रेट हाइक को लेकर वो क्या बोलेंगे, ये इस पे निफ्टी बैंक 300-400 पॉइंट इधर उधर होगा। सेकंड, GDP ग्रोथ के पे उनका क्या आंकड़ा है। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक सुनते रहिएगा, रेट हाइक कि आपके काम का मतलब है बैंक निफ्टी से रिलेटेड, GDP क्या बोलेंगे, आगे क्या सोच रहे हैं। थर्ड, हमारी करेंसी को लेकर यानी कि हमारी INR जो देखिएगा डिक्लाइन हो रही है वो कहाँ तक डिक्लाइन होगी उस पर बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्थ कि वो बेसिकली इन्फ्लेशन को कहाँ पर देखते हैं, यानी कि महंगाई को कहाँ पे देखते हैं, महंगाई को कहाँ तक कंट्रोल करेंगे और अपनी GDP को कहाँ तक सेक्रीफाइस करेंगे। ये दोनों मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसमें तालमेल बनाना होता है RBI को, और सरकार को भी जवाब देना होता है। तो कल आएगी देखेगा सेकेंड बाय मंथली, देखेगा आपकी सेकेंड या थर्ड बाय मंथली देखेगा MPC का आउटकम, जो 6 तारीख से 7 तारीख का दूसरा दिन था। 8 जून 10:01 से आपको पूरा लाइव प्रसारण सारे न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगा कि RBI क्या कहता है। क्योंकि मार्केट बंद नहीं होता तो आपको भी पता है कि मार्केट तो बंद होगा नहीं, तो मोमेंटम बहुत हाई आता है। लेकिन कभी ये बुधवार को आ जाती है, कभी ये मंगलवार को आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि एटलीस्ट मान लीजिए मार्केट आपने बाय करा पुट और मार्केट चला गया कॉल साइड में, तो आपके पास अगला दिन होता है, आप होल्ड कर लेते हो कि चलो कल कुछ हो जाएगा, कल मार्केट ठंडा हो जाएगा। बट कल जो भी होगा, जैसे पुट साइड में मार्केट जाता है तो आप क्या हो जाएगा, कॉल साइड जीरो हो जाएगा, और कॉल साइड में मार्केट जाता है तो पुट भी जीरो हो जाएगा। तो कल सोच समझ के पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि कल जो ये 2 दिन से मार्केट आपको देखने को मिल रहा है एक रेंज में देखने को मिल रहा है, वो रेंज कल या तो ऊपर की तरफ टूटेगी या तो नीचे की तरफ टूटेगी। ये डिपेंड करेगा कि ये एक्चुअल में किधर जाएगा, कि RBI बोलेगा क्या। तो आप देख सकते हैं एज पर द स्ट्रीट सेंसेस द RBI गवर्नर रेट सेटिंग पैनल विल कीप द रेपो रेट अनचेंज 6.5%। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ने देखिएगा ये कहा है कि जो रेट होगा वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो पॉज बटन से नहीं हटेंगे, वो इन पर्टिकुलर लेवल पे होल्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने फेड से पहले ही देखेगा अपने रेट हाइक पॉज कर दिए हैं। तो ऐसे में आपको ये बात याद रखनी है कि मार्केट कुछ इंटरेस्टिंग चटपटा एक्सपेक्ट कर रहा है RBI से। क्या इंटरेस्टिंग चटपटा,
कि लाइक कुछ वो अच्छा बोल दें, कुछ वो ऐसा बोल दें कि अक्टूबर में या फिर दिसंबर में हम रेट कट करना शुरू कर देंगे, कुछ भी ऐसा बोल दें। मार्केट तो एक्सपेक्ट करता है ना बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ जो मार्केट सोचे बैठा है कि कुछ पॉजिटिव आने वाला है, अगर RBI ने इस पर कोई सख्त एक्शन ले लिया तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का पे पानी फिर जाएगा और फिर आपको उसका बहुत बड़ा देखिएगा मोमेंटम कल देखने को मिलेगा। CPI देखिएगा, इन्फ्लेशन 4.7% आ चुका है क्या, लेकिन यहाँ पे बना रहेगा क्योंकि टॉलरेंस लेवल से तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। और अब तक देखेंगे तो काफ़ी कई देशों का अगर आप CPI इन्फ्लेशन देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत कम हैं। तो इन सब मुद्दों पे, चार मुद्दे मैंने बताए, रेट हाइक पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉज रखेंगे भी लंबे समय तक पॉज रखेंगे, ये निगेटिव है। पॉज रखेंगे जब तक सिचुएशन डेटा हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो जाता, ये पॉजिटिव है। सेकंड, इन्फ्लेशन हम कम होता हुआ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन अभी भी हेल्दी है, रेजिलेंट है, मॉडरेट है, अभी टाइम लगेगा महंगाई पे काबू करने पर, ये निगेटिव है, रिएक्शन आएगा। फिर GDP अगर देखिएगा आंकड़ा काफ़ी अच्छा बताते हैं, पॉजिटिव, कम बताते हैं, निगेटिव। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेट हाइक हो गया, आपका GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, और फिर बोलते हैं करेंसी हमारी स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी। डॉलर इंडेक्स को कहाँ पे देख रहे हैं, इस पे। तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम आना शुरू होगा। मोमेंटम आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो इंडिकेटर, ये मोमेंटम आएगा बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट तेज़ी से अगर पॉजिटिव होने लगे तो आप समझ लीजिए ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं होगी। तो आप समझ लीजिएगा पुट पे पोजीशन बनानी है। और अगर बॉन्ड मार्केट तेज़ी से गिरने लगे तो आप समझ लीजिए RBI जो बोल रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव फेवर में जा रहा है, और इक्विटी में लाइफ टाइम आपको हाई बनते हुए देखने को मिलेगा, चाहे वो निफ्टी की बात करें आप, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। तो पहला इंडिकेटर मैंने बता दिया। दूसरा इंडिकेटर आप देखिएगा करेंसी को। करेंसी अगर 82.240 का लेवल तोड़ दे, एक हाई बना दे, एक अच्छा मतलब देखिएगा, मतलब एक रिकवरी देखने को मिले करेंसी में, तो वो पॉजिटिव मानेगा। अगर 83 की तरफ जाए तो निगेटिव मानेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।